नमस्कार मैं आपका चैनल पर स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूं आधार कार्ड को कैसे आप उससे डाउनलोड कर सकते हो ओपन कर सकते हो प्रिंट आउट कर सकते हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ना खास होने वाला है अगर आप किसी के भी आधार कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हो उससे प्रिंट आउट करना चाहते हो ओपन करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले देखिए आपको करना क्या है आपको इस वाली वेबसाइट पर आ जाना है ए आधार इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो जैसे आप इस वेबसाइट को ओपन कर लोगे तो आपकी जो वेबसाइट है वो कुछ इसी प्रकार से ओपन होगी अब यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे आना है अगर आपने आधार कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको हेडिंग मिल जाएगी डाउनलोड आधार आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है डाउनलोड आधार पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपके सामने जो अगली डिटेल है वो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगी अब यहां पर देखिए आपको आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको तीन ऑप्शन दिए जाते हैं अगर आप अपने आधार कार्ड को आधार नंबर के द्वारा डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर आप अपना आधार नंबर डालेंगे अगर आप इनोलमेंट आरडी नंबर के द्वारा अपने आधार कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हो तो यहां पर आपको इनॉलमेंट आई को सिलेक्ट करना है यहां पर आपको अपना इनॉलमेंट आईडी नंबर डालना है अगर आप वर्चुअल आई नंबर के द्वारा अपने आधार कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हो तो यहां पर आपको वर्चुअल आई को सिलेक्ट करना है यहां पर आपको अपनी वर्चुअल आई नंबर डालना है तो यहाँ पर मैं आधार नंबर से अपना आधार कार्ड डाउनलोड करूंगा तो यहाँ पर मैं आधार नंबर को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं अपना आधार नंबर डाल देता हूँ आधार नंबर डालने के बाद इसके बाद यहाँ आप इस पर आपको कैप्चा कोड मिलेगा इस कैप्चा कोड को यहाँ पर आपको डाल देना है दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देन देना है सभी को कैप्चा कोड यहाँ पर अलग अलग दिखाया जाएगा ठीक है तो यहाँ पर आपका जो भी कैप्चा कोड है उसी कैप्चा कोड को यहाँ पर आपको डालना होगा और इसके बाद यहाँ पर आपको सेंड ओडिप पर क्लिक कर देना है सेंड ओटीपी पर क्लिक करने के बाद देखिए आपके आधार कार्ड में जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी सेंड कर दिया गया है अब यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन इंटर ओ टीपी यहाँ पर आपको अपना ओटीपी डाल देना है ओटीपी डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है यहां पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा डू यू वांट ए मास्क्ड आधार आपको दोस्तों इस वाले ऑप्शन पर क्लिक नहीं करना है अगर आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे इस प्रकार से तो आपका जो आधार कार्ड डाउनलोड होगा उसमें जो आपके आधार कार्ड के अंक होते हैं वो हाइड हो जाएंगे ठीक है केवल आपको लास्ट के फोर अंक दिखाए जाएंगे ठीक है तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक नहीं करना है आपको इसे जैसा है वैसा ही छोड़ देना है ठीक है ओटीपी डालने के बाद यहाँ पर आपको वेरीफाई एंड डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है इसके बाद देखिए जो हमारा आधार कार्ड है वो यहाँ पर पीडीएफ फाइल में डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं पीडीएफ फाइल ओपन हो चुकी है चलिए यहाँ पर मैं इसे सेव कर लेता हूँ तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं अब यहाँ पर देखिए हमें करना क्या है जैसे हमारा आधार कार्ड डाउनलोड हो जाता है इसके बाद पीडीओ फाइल को ओपन करना है पीडीएफ फाइल को ओपन करने के बाद अब आप देखिए आपसे एक पासवर्ड पूछा जाएगा पासवर्ड देखिए आपको क्या डालना है बहुत से लोग यहाँ पर पासवर्ड नहीं डाल पाते हैं देखिए आपका जो भी नाम है पहले तो आपको अपने नाम के चार लेटर कैपिटल लेटर में डालने हैं जैसे कि मेरा नाम है ब्रिजेश सिंह तो यहाँ पर मैं टाइप करूंगा वी और कैपिटल लेटर में डालना है ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान देना है वी आर आई जे ठीक है यहाँ पर मैंने अपने नाम के चार लेटर कैपिटल लेटर में डाल दिए हैं क्योंकि मेरा नाम है ब्रिजेश सिंह तो यहाँ पर मैंने अपने नाम के चार लेटर डाल दिए हैं क्योंकि हमारे नाम में चार वर्ड से ज्यादा है अगर आपके नाम में चार वर्ड से ज्यादा है तो यहाँ पर दोस्तों आपको केवल के चार लेटर यहाँ पर कैपिटल लेटर में डालना है ठीक है इसके बाद आपकी जो जन्म तिथि है उसमें जो लास्ट ईयर है उसको यहाँ पर आपको फिल कर देना है तो हमारी लास्ट ईयर है उन्नीस सौ सत्तावनवे तो यहाँ पर मैं फिल करूंगा उन्नीस सौ सत्तावे ठीक है इस तरह से आपको यहां पर अपनी लास्ट ईयर को डालना है इसके बाद यहां पर आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है तो देखिए जैसा आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे आपका जो आधार कार्ड है वो यहाँ पर पीडीएफ में ओपन हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो आधार कार्ड है वो यहाँ पर डाउनलोड भी हो गया है और यहाँ पर ओपन भी हो गया है अगर आप अपने आधार कार्ड को प्रिंट आउट करवाना चाहते हो इसे निकलवाना चाहते हो प्रिंट करके तो यहां से आप अपने आधार कार्ड को कट करके किसी भी जनसेवा केंद्र पे जाके आप अपने आधार कार्ड को प्रिंट करवा सकते हो अगर आपके पास प्रिंटर है तो दोस्तों आप खुद इसे प्रिंट कर सकते हो तो दोस्तों इस तरह से आप अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो उसे ओपन कर सकते हो प्रिंट आउट कर सकते हो अगर आपके मन में कोई भी सवास हो जाए तो दोस्तों आप में कौन वस में पहुंच सकते हैं तो मिलते आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद बंदे मातरम